Assalamu alaikum and good morning, dear students. I hope you are fine. Welcome to your science class, and I'm your science teacher, Miss Nida Zamur. Students, as you know, that we were discussing about different groups of plants and animals. In fact, we were studying about classification of living organisms. Uh, and uh, as I told you, that living organisms are divided into different groups so that we can study them easily. We discussed about Different groups of plants, then we discussed about different groups of animals. Before proceeding further, let me give you a, a recap of our, our previous lecture that was about classification of animals. Here you can see on page number 46, it's a table. The whole lecture is summarized in this table. You can see that living uh, animals are divided into two main groups vertebrates and invertebrates vertebrates are those animals with backbone and invertebrates are those animals which don't have backbone in their bodies example fish for example shark ray eel and salmon different types of fish are examples of vertebrates then amphibians for example frogs and toads then reptiles snakes lizard croco uh, crocodile turtle then fourth group is birds and fifth group is mammals these five groups are included in vertebrates then come towards invertebrates invertebrates are further divided into two groups without jointed legs and with jointed legs without jointed legs are uh, those invertebrates which are simple very simple organisms which have simple bodies they don't have true organs examples are sponges nidarians then echinoderms then mollusks annelids roundworm flatworms okay देन वर्टिब्रेट्स विद ज्वाइंटेड लेग्स जिनको हम आर्थ्रोपोड्स भी कहते हैं उसमें आ जाते हैं लाइक आप कह लें कि उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और उनकी लेग्स जॉइंटेड होती हैं इसमें डिफरेंट इंसेक्ट्स आते हैं क्रेस्टेशन आर सेंटीपैड्स एंड मिलीपैड्स दिसज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ वर्टीब्लेट्स विद ज्वाइंटेड लेग्स सो हेयर क्लासीफिकेशन इज़ कंप्लीटेड नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूजिंग कीज टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन के लिए एक और टूल यूज़ होता है जिसको हम की कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं इट इज़ नोन एज की की इज़ अ टूल विच इज़ यूज टू क्लासीफाई लिविंग थिंग्स की कैसे बनाते हैं हम ये भी मैं आपको बताऊँगी इस टॉपिक में ठीक है आप लोगों ने एनिमल के फाइव ग्रुप्स के बारे में पढ़ा ठीक है वर्टिब्रेट्स के फाइव ग्रुप्स के बारे में पढ़ा बेसिकली हमने पढ़ा कि एनिमल्स को टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है वर्टिब्रेट्स एंड इन देन वर्टिब्रेट्स हैव फाइव क्लासेज ठीक है वर्टिब्रेट्स में पाँच तरह के एनिमल्स होते हैं जिनको डिफरेंट क्लासेज में डिवाइड किया गया है बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर सो टू मेक की फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट वी हैव टू डू वी ऑब्जर्व दैट वट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ठीक है कि वर्टी में जो एनिमल्स मौजूद हैं उनका बेसिक डिफरेंस क्या है तो यहाँ हमने जो बेसिक डिफरेंस देखा था दैट वॉज इधर द एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड और दे आर वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो अपना टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज करते रहते हैं बॉडी टेम्परेचर उनका कॉन्सटेंट नहीं होता जबकि वार्म ब्लडेड वो होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है इट रिमेंस कॉन्सटेंट एंड इट डजेंट चेंज अकॉर्डिंग टू द ठीक है सो मेन डिफरेंस वर्टी ब्रेड्स के दरम्यान में क्या होता है इधर दे आर कोल्ड ब्लडेड और दे आर वार्म ब्लडेड सो टू मेक की फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द नेम ऑफ ग्रुप वर्टी ब्रेड्स फिर उसके बाद आप उनके दो मेन फीचर्स देखते हैं कि वो कौन से फीचर्स हैं विच डिफ़र कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड फिर आप देखते हो कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं उनमें मजीद क्या डिफरेंसेस आप ऑब्जर्व कर सकते हो सो यू कैन सी क्लियरली दैट एनिमल्स विच आर कोल्ड ब्लडेड देयर बॉडीज़ आर कवर्ड विद स्लाइमी स्केल्स और दे आर कवर्ड विद हार्ड एंड ड्राई स्केल्स और दे हैव मोइस्ट स्किन ठीक है ये तीन उनके फीचर्स हमें नजर आते हैं किसके अंदर कोल्ड ब्लडेड के अंदर कुछ एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं स्लैमी स्केल्स होते हैं यानी कि स्लिपरी स्केल्स होते हैं विच हेल्प देम टू स्विम कुछ एनिमल्स ऐसे हैं विच आर कवर्ड विद हार्ड एंड ड्राई स्केल्स विच हेल्प देम टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड एंड सम एनिमल्स हैव मोइस्ट स्किन ये तीन फीचर्स हमने देखे उसके बाद फर्दर जिनकी बॉडी के स्लिपरी स्केल्स होते हैं दे रिप्रोड्यूस प्रोड्यूस लेइंग लेंग एग्स विदाउट शेल्स इन वाटर हाउ डू दे रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन भी तीनों में डिफरेंट होती है ठीक है सो पहला जो ग्रुप है दे रिप्रोड्यूस प्रोड्यूस लेइंग लेंग एग्स विदाउट शेल्स इन वाटर पानी के अंदर एग्स ले करते हैं और उनके एग्स जो होते हैं दे आर विदाउट शेल्स एग्जाम्पल है फिश नेक्स्ट रिप्रोड्यूस बाई लेंग एग्ज विद लेदरी शेल्स नेक्स्ट जो ग्रुप है उनकी रिपोर्डक्शन भी एग्ज के थ्रू होती है बट देर एग्ज़ है लेदरी शेल्स आउटसाइड एग्जाम्पल्स आर रेप्टेप्टाइल्स में आ जाते हैं आपके पास लिजर्ड क्रोकोडाइल एंड स्नैक जो थर्ड ग्रुप है कोल्ड ब्राडेड एनिमल्स का दे रिप्रोड्यूस बाई लेंग एग्स इन वाटर एग्जाम्पल्स हैं एम्फीबियंस यानी कि फ्रॉग्स एंड टोल्स वगैरह जो सेकेंड ग्रुप था वर्टीबेट्स का दीज आर नोन एज वॉम ब्लडेड इनमें दो तरह के ही एनिमल्स हम देखते हैं फर्स्ट वो जिनकी बॉडी जो होती है एट इज़ कवर्ड विद फीदर्स एंड सेकेंड वो जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं या फर होती है ठीक है रिप्रोडक्शन कैसे होती है रिप्रोड्यूस बाई लिंग एग्ज विथ शेल्स इनकी रिप्रोडक्शन भी एक्स के थ्रू होती है बट देर एग्ज आर कवर्ड विथ शेल्स एग्जाम्पल्स आर बर्ड्स ठीक है उसके बाद जो सेकेंड ग्रुप है देयर बॉडीज़ आर कवर्ड विद हेयर और फर

कम टू वर्स द नेक्स्ट पेज अ की इज कॉल्ड द डायकोटमस की इफ़ अ ग्रूप ऑफ थिंग्स आर क्लासीफाइड बाई डिवाइडिंग द्रूप इंटू टू स्मॉलर ग्रुप्स एट ईच स्टेज फिर कीज़ की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली की है दैट इज़ नोन एज डाइकोटमस की डाई मीन्स टू डाइकोटमस की वो की होती है कि अगर आप किसी भी एनिमल के या किसी चीज़ के ग्रूप्स को आप उनको आप क्लासीफाई कर रहे हैं तो आप उनको हर स्टेज पर दो छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते जाते हैं ठीक है और इसकी को यूज़ करना बहुत ईजी होता है बिकॉज यू जस्ट हैव टू आंसर येस और नो टू अ सीरीज ऑफ सिंपल क्वेश्चन और सिलेक्ट वन ऑफ द टू कंट्रास्टिंग डिस्क्रिप्शन ठीक है या तो ये होता है कि हर स्टेज पर टू क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपने येस या नो का आंसर करना होता है या फिर क्या होता है कि आपने कंपेयर करना होता है दो चीज़ों को सिंपली आप एक लाइक आप कह लें कि दो कंट्रास्टिंग डिस्क्रिप्शन आपको दी होती हैं आपने उसमें से एक को सिलेक्ट करना होता है हेयर इज एग्जाम्पल ऑफ अ डाइकोजोमिस स्की विच इज यूज टू क्लासीफाई द मेजर प्लांट ग्रूप्स सो हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट दिस स्की प्लांट्स हम प्लांट्स की क्लासीफिकेशन की क्योंकि बात कर रहे हैं सो so जनरल जो टर्म यहाँ पर यूज़ करेंगे दैट वुल बी प्लाट्स क्वेश्चन इज डू द प्लाट्स हैव वेस्कुलर टिश्यूज यू हैव टू आंसर बाय येस और नो येस एंड नो इफ़ नो दे आर नोन एज नॉन वेस्कुलर प्लान्स ठीक है और नॉन वेस्कुलर प्लान्स में फिर फर्दर कोई ग्रुपिंग नहीं है दैट्स वाई सिंपली इसकी एग्जाम्पल गिवन है मोसेज एंड लिवर वर्ड्स ऑन द अदर हैंड इफ यू आंसर येस दैट मीन्स दीज प्लाट्स आर नोन एज वेस्कुलर प्लान्स सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू द्लान सीड्स क्या इनके सीड्स होते हैं तो यहाँ पर भी यू हैव टू आंसर विद येस और नो इफ नो दैन दीज आर नोन एज सीडलेस प्लाट्स एग्जाम्पल आर फंड ऑन द अदर हैंड इफ यू आंसर बायस दैट मीन्स दीज आर सीड प्लान्स एंड सीड प्लांट्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स फ्लावरिंग प्लान्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लान्स एग्जाम्पल्स फ्लावरिंग प्लान्स के हमारे पास है ग्रासेस एंड नॉन फ्लावरिंग प्लान्स की एग्जाम्पल्स हमारे पास है कॉनिफर्स साइगर्स एंड गिंकोज ये सारी चीज़ें आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं सो इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइकोटमिक्स स्की नेक्स्ट पेज पर आ जाइए बिसाइड्स क्लासीफाइंग थिंग्स अ डाइकोटमस की कैन ऑल्सो बी यूज टू आइडेंटिफाई लिविंग थिंग्स क्लासिफिकेशन के साथ साथ ये जो हमने की अभी पढ़ी है डाइकोटमस की दैट इज़ ऑल्सो यूज टू आइडेंटिफाई लिविंग थिंग्स ठीक है हम लिविंग थिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इस की को यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल द की भी लो कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द एनिमल्स ए बी सी एंड डी हेयर आर गिवन सम एनिमल्स एनिमल ए बी सी एंड डी वट यू हैव टू डू यू हैव टू आइडेंटिफाई दैम सो हाउ वुड यू आइडेंटिफाई दिज एनिमल्स इतना तो हमें पता है दैट दीज आर एनिमल्स विदाउट जॉइंटेड लेग्स ठीक है क्योंकि इनमें से किसी की भी हमें जॉइंटेड लेग्स नजर नहीं आ रही सो स्टूडेंट्स यू नो दैट एनिमल्स विदाउट जॉइंटेड लेग्स आर ऑफ टू टाइप्स इधर दे आर वर्म लाइक और दे आर नॉट फॉर्म लाइक सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इफ वी हैव टू आइडेंटिफाई द एनिमल ए वी स्टार्ट बाई आइसकिंग whether it is worm like or not worm like. ठीक है कि क्या ये वर्म लाइक -like है या वर्म लाइक -like नहीं है सो इट इज़ नॉट वर्म लाइक ठीक है वी ऑब्जर्व वी कैन ऑब्जर्व इजीली दैट एनिमल ए इज़ नॉट वॉर्म लाइक ठीक है इट इज़ नॉट वॉर्म लाइक सो कम टू वर्ड्स नेक्स्ट स्टेप इधर इट हैज़ टेंटिकल्स और इट हैज फाइनी स्किन ऑन फाइव वे रेडियल मिट्री वी कैन सी दैट इट हैज़ टेंटिकल्स सो वी कैन आइडेंटिफाई द एनिमल ए एज जेलीफिश ठीक है इसी तरह से हम बाकी एनिमल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं एनिमल बी इज़ वॉर्म लाइक

या मैं बुक पे ही मार्क करवा दूँगी हाफिज़